सो हाय, दिस इज स्वास्थ्य गुप्ता और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू ड्रॉ द वाटर बैलेंस ग्राफ। और आप देख सकते हैं मैंने वाटर बैलेंस ग्राफ कैसे ड्रॉ किया है। तो आपको ये सारा पूरा फिगर दिख रहा होगा, ऐसे ही आप लोगों को भी ड्रॉ करना है। और जो पी पी और ए ही आपको दिख रहा है, सो ये वाराणसी के लिए, इसके बाद ब्रैकली के लिए भी है। सो आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करें, और बिल्कुल सेम टू सेम आप बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। और जहाँ प्रेसिपिटेशन सबसे ज़्यादा होगी वहीं पर वाटर सरप्लस हो रहा है, जैसे कि हमारा अगस्त में यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन है, तो वहीं से वाटर सरप्लस हो रहा है। और नेक्स्ट वाला जो है उसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, तो उसमें हम देखते हैं। सो हमारे पास दूसरा है ब्रैकली के लिए, तो आप ब्रैकली का देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन 130 है, लेकिन अगर जो हम इक्वेट करते हैं एसएमयू एसएमआर को, 223 से ये है हमारा एसएमआर, और जबकि 330 आ रहा है एक्चुअल में। सो हम 107 को माइनस करना है, वही 107 हमारा जो है वाटर सरप्लस होगा। तो आप जो यहाँ पे देखेंगे प्रेसिपिटेशन नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म में देखेंगे जो कि सबसे ज़्यादा है, वो यहाँ पे आप फरवरी और मार्च में। तो यहाँ से हम माइनस करेंगे और इन दोनों को ऐड करने पे हम फिर माइनस करेंगे। तो आप बिल्कुल सेम टू सेम यही कैलकुलेशन लिख दीजिए और सेम टू सेम ऐसे ड्रॉ कर दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने फरवरी और मार्च में माइनस किया, और पिछले बार में सब एक ही अगस्त में कर रहे थे, तो अगस्त के बाद जितना पूरा था पूरा वाटर सरप्लस हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारा 2 महीने से हो रहा है। तो सिर्फ हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं फरवरी और मार्च इतने ही टर्म में वाटर सरप्लस हो रहा है। तो ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट, डिस्क्रिप्शन में इसका जो पीडीएफ मैं दे रहा हूँ, और आप कमेंट करें जो भी क्वेरी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।